सौ गाने में जमी चाहिए नहीं तो वो आ जाएगा ना कॉपीराइट। और ये मैं ये भी उठा ली वहां से दांत साफ करने के लिए। चोर पैसे दिए तो ले गए, उन लोगों ने क्यों दिया कि अपने दांत साफ करो, कुछ अटक गया हो तो अभी नहीं अटका तो सुबह कुछ अटक जाएगा तो वो निकाल लेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेविड वैष्णवी। सो कैसे हो आप सब, एंड हैप्पी करवा चौथ आप सभी को मेरी तरफ से। तो आज है 4th नवंबर एंड अभी सुबह का टाइम हो रखा है, 4 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट है 4 बजने में। और मैं नहा चुकी हूँ एंड मैंने जो नई कुर्ती ली थी वो मैंने डाल ली है रेड कलर में। हेयर वॉश मैंने नहीं की अभी, वो जब मैं दोबारा नहाऊंगी बाद में दोपहर के टाइम तब मैं कर लूंगी, अभी नहीं किया मैंने क्योंकि अभी मुझे नींद भी आ रही है बहुत तेज है, क्योंकि सी माई आईज नींद आ रही है बहुत तेज। तो अभी मैं उठी हूँ सरगी खाने के लिए। तो ये रही मेरी सरगी की थाल, इसमें से जितना खाया जाएगा मेरे से मैं खा लूंगी, जो बच जाएगा वो रात में व्रत खोलते टाइम खा लूंगी या फिर कल खा लूंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी अपनी फेवरेट काजू कतली, ये मेरी मोस्ट फेवरेट मिठाई है। तो यहाँ पे मैं अभी खा रही हूँ मीठी फैनियाँ, जो मतलब फैनी जो दूध में बनाई जाती है, ये करवा चौथ की सरगी में बहुत जरूरी होती है खानी हमारे पंजाबियों के यहाँ पे, तो मैं अभी वही खा रही हूँ। तो ये है मीठी वाली मट्टी और ये है फीकी वाली। ये इनका वैसे तो साइज इतना बड़ा होता है लेकिन मैंने हाफ हाफ लिए दोनों, क्योंकि मेरे से हाफ भी नहीं खाई जाएगी इतना मुझे पता है। देखो मैंने लाइट अब दिख रहा अच्छे से, तो ये रहा पालक पनीर। तो चलो मैं अपनी ये सरगी फिनिश कर देती हूँ, देन मैं इस कुर्ते को चेंज करके सोने चली जाऊंगी और फिर उठूंगी मैं 10-11 बजे सुबह, तभी मिलूंगी मैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग मेरे प्रियजनों। मैं अभी बस सो के उठ चुकी हूँ और मुझे अभी भी नींद नहीं आई है, मैं काजल भी खा सकता क्योंकि रात मैंने लगा लिया था ना, नहीं जब सुबह सरगी खाई थी तब थोड़ा थोड़ा लगा लिया था, मैंने कहा थोड़ा अच्छा लगेगा लेकिन फिर भी गोबर जैसा लग रहा था शकल आंखें। पूरी रेडी एंड यू कैन सी माई न्यू चूड़ा, ये मम्मी ने दिलाया है मेरे को नया चूड़ा, इस पे ये कुंदन के कड़े हैं, मुझे इसी टाइप के कड़े पसंद है एंड मैं तैयार हो गई हूँ पूरी। मैंने इयर रिंग्स चेंज कर लिए, मैंने ये पहन लिया है, वो थोड़ा अच्छे लग रहे थे तैयार होने के बाद, एंड चैन एंड मंगलसूत्र, पूरी रेडी हो चुकी हूँ मैं। और ये अभी मैंने ऐसे ही पहना है कुर्ता, और अभी मैं कथा सुनने से थोड़ी देर पहले साड़ी पहन लूंगी तो मैं कपड़े चेंज कर लूंगी, तो अब सिर्फ मुझे कपड़े चेंज करने रहे तो अब सिर्फ कपड़े चेंज करने बाकी रह गए हैं, वो मैं कथा से थोड़ी देर पहले कर लूंगी, बाकी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। एंड एक बार दोबारा से हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, आई होप सो आपका दिन अच्छा जाए, मेरा तो आधा दिन ऐसे ही निकल गया पता ही नहीं लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी शादी हुई है, नई नई शादी है, ऐसा फील आ रहा है, चूड़ा वूड़ा पहन के से मेहंदी लगा के मैंने अपनी सब रिंग वगैरह भी डाली है। पता नहीं यार लोग नेल आर्ट में कैसे अपने काम कर लेते हैं, मैंने तो इस पे ये फर्स्ट टाइम ही किया है कोई इस पे, लेकिन मेरे को इतना अजीब सा हो रहा है जैसे बाल ऐसे कर रही हूँ तो इसमें अटक रहा है, कुछ पहन रही हूँ तो फिर इसमें अटक रहा है। तो मैं आप लोगों को अपना ये सूट वाला लुक दिखाऊंगी पूरा भी 2-4 मिनट बाद, और साड़ी वाला बाद में दिखाऊंगी जब मैं साड़ी पहन लूंगी, ठीक है? तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। कैसी लग रही हूँ गुलाबो पहनना मैंने रेड कलर है और मैं गुलाबो लग रही हूँ, बताओ ना गुलाबो यार बताओ ना, मैंने रेड कलर पहनना पिंक नहीं पहनना, ठीक है? और हम लोग यहाँ छज्जे पे खड़े हैं लोगों को देखने के लिए कि किसने क्या पहना है और कौन कैसा लग रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ, यही देख रहे ना,
इन अंकल को दिया था मैंने कबाड़ा। कबाड़ा वाला फोन के रखा बीच बीच में आवाज जमा करने का। अच्छा लग रहा है ना चूड़ा? बढ़िया। मैं साड़ी अभी पहन लूँ क्या? बीच में डालो तो मैं गोल्ड नहीं ऐसे ही बीच में डाल दो, दो चूड़ियाँ साड़ी के बीच में डाल दो, दिख भी नहीं देगी। दिख रही है? नहीं जी, दो चूड़ियाँ ना ये बीच में डाल दे, अलग अलग आएगा। फाइनल लुक मैं पूरी रेडी हो चुकी है। वो जो मैंने सूट पहना था वो मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि अभी कहानी सुनने का टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले 5-10 मिनट, और हम 4-4:30 के आसपास ही कहानी सुनते हैं। और मैंने वही इयररिंग्स पहने हैं जो मुझे इंस्टाग्राम से मिले थे, इशारा वहाँ से, और मांग टीका मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई हेयर स्टाइल बनाऊँ एंड देन उसको मांग टीका वगैरह सब सेट करूँ। मैं अभी फटाफट जा रही हूँ एंड मैंने ये साड़ी पहना है, इसके ब्लाउज के पीछे पूरे में एम्ब्रॉयडरी है, सी एंड ये इसका पल्लू। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे लुक कैसा लगा। मैंने आई मेकअप भी बहुत लाइट किया, बहुत लाइट, मैंने पूरा मेकअप ही लाइट किया, ज़्यादा नहीं किया मैंने। और मैं अब कहानी सुनने जा रही हूँ और मैं आप लोगों से मिलूंगी कहानी सुनने के बाद, और तभी मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। और एक बार दोबारा से हैप्पी करवा चौथ, सुबह से 3 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है, मेरे को भी विश कर देना। ये देखो हाल, पूरे कमरे में मैस मचा रखा है मैंने, इस रूम में भी और दूसरे रूम में भी और नीचे भी सब सामान फैला रखा है इधर उधर जगह में। और साड़ी इतनी मुश्किल से मैंने बांधी है ना भाई, सब मेरे को पता है क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, सो दूसरों की तो मैं बांध देती हूँ लेकिन अपनी नहीं। और गले में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाले, चेन है एंड मंगलसूत्र, दैट्स इट बस। एंड रिंग भी मैंने उतार के रखी है, अब पहनूंगी क्योंकि साड़ी बांधते वो बीच में फंस रही थी बार बार, तो मैंने उतार दी थी, तो मैं इनको पहन लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अंकिता के घर पे, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे, वहीं पे हम लोग कहानी सुनेंगे साथ में, और वहीं पे चाय पानी जो भी पियेंगे कहानी सुनने के बाद बस, और उसके बाद फिर सीधा रात में चांद देखने के बाद जो भी खाएंगे पियेंगे, ठीक है, बाय। सुन लिए मस्त एकदम, यार पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसे 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 बहुत करने लगी हूँ। अब मैं चाय पीऊंगी, थोड़ी सी पीऊंगी मैं और मनी दोनों, क्योंकि मनी ने भी मेरे लिए फास्ट रखा हुआ है इसलिए। तो मैं अब चाय पीऊंगी और उसके बाद चाय पीने के 10 मिनट बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बैठूंगी आराम से, और फिर पूजने के लिए खाना बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, प्याज नहीं डालूंगी, टमाटर, हरी मिर्चे वगैरह, जीरे का छोक लगा के, जीरे का छोक लगा के, और रोटियाँ और कुछ मिठाई, मिठाई मैंने मंगवा के रखी हुई है वो मिठाई, और फिर पापा के कपड़े हैं वो सब पूज के फिर पापा के पास ले जाएगा, और जब चांद निकल जाएगा उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। और मनी भी जैसे कि सबके साथ होते हैं तो मैं कुछ नई बात तो बता नहीं रही हूँ। ऐसे ना मैंने ना कई लोगों के मुँह से सुना है यार आज ना हमारा व्रत है, थोड़ा डाउन डाउन फील हो रहा है, मेरे को देख के कोई कह देगा मेरे को डाउन फील हो रहा है, और देखो और ज्यादा नहीं खा रहा चुका है ना, सही बात है। तो मनियर में बाहर डिनर करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी पिछली करवा चौथ पे भी बाहर डिनर किया था, और इस करवा चौथ पे भी हम लोग बाहर जाने वाले हैं, सो मुझे हम दोनों का खाना घर में नहीं बनाना, अगर बनाने भी होता तो क्या हो गया ऐसी। यहाँ से मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ से लाइट होती जा रही है क्योंकि बर्तन मांझ के कभी सर धोना, और मैंने सुबह से जूड़ा नहीं खोला भाई साहब अपना, यानी आंटी ने मेरे को तिलक लगा दिया है वैसे, अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे आज से बता जरूर देना कि साड़ी में कैसी लग रही हूँ मैं, ये वही साड़ी है जो मेरे को शादी में मन्नी ने दी थी एंड ये मैंने आज 2 साल बाद पहनी है। और तो चलो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और चाय पी के फटाफट पापा का खाना देके फिर बाहर जाएंगे, तो मैं मिलूंगी आपसे बाहर खाना खाते हुए, नहीं जब चांद निकल जाएगा तब मिलूंगी मैं आपसे, बाय बाय।
हाँ मैं भी उसी गली में है जिस गली के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, और मैं यहाँ काम कर रही थी ऐसे तैयार होके एप्रन वगैरह पहन के। तो मन्नी को मेरे ऊपर प्यार आया क्योंकि आज करवा चौथ है, तो वो मेरी हेल्प कराने के लिए आए हैं। ब्लू ब्लू स्लाइडिंग हो गई यार थोड़ी। गली कौन सी है ना बता, कौन सी गली है ये? वही गली है जिसमें मैं लोगों को लेके नहीं जाना चाहती। सबको पता है, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था लास्ट से लास्ट ब्लॉग में कि मैं इस गली में वीडियोस नहीं बनाऊंगी, लेकिन एक आध बार चल जाती है। तो मन्नी यहाँ पे बना रहे हैं मटर पनीर पापा के लिए, और रोटी रोटी बनाओ परांठे पूरी परांठे, हाँ और साथ में परांठे। वैसे मेरा मूड तो था पूरी बनते तो सही था, लेकिन तीन भी क्या पूरी बनाना, हाँ परांठे बनाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ शक्ल मटर पनीर की, भाई साहब बहुत टेस्टी लग रहा है ना। निकल गया चांद, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। बहुत वेट करा रहा चांद तो यार, पौने दस हो चुके। वैसे बताऊं एक बात, करवा चौथ पे ना करवा चौथ कम लगता है, दिवाली ज्यादा हो गई। लोग ऐसे पटाखे छुटा रहे जैसे चांद निकल गया, हमें गलत फहमी हो जा रही है बार बार। चांद गरम गरम ना हो जाएगा भी ठंडे की जगह, तारे ही नहीं निकले चांद तो जब निकले, और ठंड लग रही है छत पे। मैं तो फटाफट बस कपड़े चेंज करूंगी, और बहुत हैवी फील हो रहा है मेरे को, भूख लग रही है अब तो। नहीं लग रही तो। हम लोग अब जा रहे हैं वहाँ डिनर करने के लिए, अपने कपड़े वपड़े चेंज करके। चांद निकल गया, और चांद निकलने के बाद क्या देते हैं, चांद निकलने के बाद क्या देते हैं, मतलब चांद निकल गया और हो गया जो भी प्रोसीजर होता है ना वो कंप्लीट हो चुका। अब मैं कपड़े चेंज करके बाहर जा रही हूँ, मतलब मन्नी और मैं दोनों जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से वहीं। तो हम लोगों ने तो डिनर कर लिया, और मैं वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था और भूख भी लग रही थी। सो गाने नहीं चलने चाहिए, सो गाने नहीं चलने चाहिए। नहीं तो वो आ जाएगा ना कॉपीराइट, और ये मैं ये भी उठा ली वहाँ से दांत साफ करने के लिए। चोर, पैसे दिए तो लेकिन उन लोगों ने क्यों दिया कि अपने दांत साफ करो, कुछ अटक गया हो तो। अभी नहीं अटका तो सुबह कुछ अटक जाएगा तो वो निकाल लेंगे, दांत में से निकाल लेंगे, नाक में से निकाल लेंगे, निकलता हो तो है कान भी तो रह गए, कान वैसे निकाल लेंगे, सर में ऐसा खुजली कर लेंगे। अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी दांत साफ करने के बाद। तो आज का व्लॉग कर रही मैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब हम घर जाके कपड़े चेंज करके सो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटा दबा देना ताकि जितनी भी वीडियोस पोस्ट ऑन नोटिफिकेशन मिल जाए। सीख लो ना यार, अपडेट मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो आप वीडियोस देखोगे कैसे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड हमेशा की तरह स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर से बाहर मत निकलना, हम निकल रहे हैं कोई बात नहीं, हमें आदत हो चुकी निकलने की, आप लोग मत निकलना बाहर, कोरोना है इसलिए। और मैं आज मास्क भी नहीं लगा के आई, चालान नहीं कट रहा ना आज, इसलिए करवा चौथ है। ठीक है, बाय बाय।